हेलो एवरीवन, वेलकम इन टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पैरेट फिंचेस के बारे में। पैरेट फिंचेस को ये नाम इनके खूबसूरत रंगों की वजह से दिया गया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत फिंच है। एवियरी में ये बहुत मुतहरिक, चुस्त, परवास करने वाले और बहुत से दूसरी किस्म के परिंदों के साथ दोस्ताना है। बहुत रेयर फिंच है, ये ज़्यादा आम नहीं है, लेकिन इनको रखना और इनसे ब्रीड लेना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अगर आप फ्यूचर में इसे रखने का इरादा रखते हैं तो इस वीडियो में आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसके बाद इनको रखना और इनसे ब्रीड लेना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। हम मज़ीद वक्त ज़ाय के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पैरेट फिंचेस के मकामी इलाके के बारे में। तो इस खूबसूरत फिंच का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, जहाँ पर ये घास के मैदानों और झाड़ियों में पाई जाती है। पैरेट फिंचेस का साइज़ 4.5 इंच होता है। इनका जिस्म चमकदार सब्ज़ रंग का होता है, जबकि सर, गला और चेस्ट का ऊपरी हिस्सा सुरख रंग का होता है। टांगे और पांव ग्रे होते हैं। मादा नर से मिलती जुलती होती है, यानी इनको देखकर आसानी से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि नर कौन सा है, मादा कौन सी है। मादा के चेहरे का रंग नर के मुकाबले में थोड़ा हल्का होता है। चिक्स का रंग हल्का सब्ज होता है और इनकी दुम सुरख रंग की होती है। इसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट कलर म्यूटेशंस की, जो कि पैरेट फिंचेस की पाई जाती हैं, तो इसमें सबसे पहले तो जो कॉमनली हमें दिखने में नज़र आती है वो है रेड फेस पैरेट फिंच। इसके बाद नेक्स्ट म्यूटेशन है ट्राई कलर पैरेट फिंच और कुछ मज़ीद रेयर म्यूटेशंस हैं, जिनमें शामिल है लोटिनो वाइट हेड पैरेट फिंच, सी ग्रीन पैरेट फिंच, पाइड सी ग्रीन पैरेट फिंच एंड ब्लू फेस पैरेट फिंच। तो ये इनके कुछ खूबसूरत म्यूटेशंस हैं जो कि पाई जाती हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं पैरेट फिंचेस की खुराक के बारे में, कि अगर आप इनको अपने पास केज में रखते हैं तो इनकी खुराक की ज़रूरत को किस तरह पूरा करना है और नेचुरली वाइल्ड में ये अपनी खुराक की ज़रूरत को किस तरह पूरा करती हैं। तो सबसे पहले तो केज में इनको रोज़ाना ताज़ा पानी फ्राहम किया जाना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है इनके लिए। मिक्स सीड, बाजरा इनकी खुराक का बड़ा हिस्सा होता है। ये सब्ज़ी खोर फिंच है, तो इन्हें सब्ज़ियाँ, सब्ज बीज, फल, यहाँ तक के जई भी पेश की जानी चाहिए। इन्हें प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, तो आप इन्हें खाने के कीड़े और अंडे का खाना भी प्रोवाइड कर दें। चारकोल के साथ साथ ग्रिट भी हाजमे के लिए ज़रूरी है। ग्रिट इस्तेमाल करने के फ़वाद और उसके तरीके से रिलेटेड वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कटल बोन फ्राहम करें, क्योंकि ये कैल्शियम फ्राहम करता है, इससे आपके परिंदे को मज़बूत चूँच मिलेगी। अफजाइश के वक़्त अंडों के छिलके मज़बूत होंगे और एग बाइंडिंग से भी बचाएगी। कटल बोन में मौजूद चूना खाने को हज़म करने में भी मदद करता है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो अगर आप इनको केज में प्रोवाइड कर देते हैं तो ये ना सिर्फ अच्छी ब्रीड करेंगी बल्कि सेहतमंद भी रहेंगी। फिंचेस नहाने की शौकीन होती हैं, तो इनको नहाने के लिए केज में शॉवर की फ्राहमी को यकीनी बनाएं। इनके नाखनों को भी कभी कभार तराशने की ज़रूरत होती है, लेकिन एहतियात करें कि नाखनों को काटते वक्त आप फिंचेस को गलती से भी ज़ख्मी ना कर लें। ये ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक्टिव होने की वजह से इनको उड़ने के लिए काफ़ी खुली जगह की ज़रूरत होती है।
इसलिए इनका केज बड़ा होना चाहिए। नेचुरल माहौल में ये घास के मैदानों और झाड़ियों में पाई जाती है, तो केज में भी पौधों और झाड़ियों की मौजूदगी फिंचों के लिए जगह को मज़ीद पुरलुत्फ बनाएंगी। तो ये कुछ पिंजरे के रिक्वायरमेंट्स हैं। बीमारी से बचने के लिए इनको साफ सुथरा माहौल और रोज़ाना ताज़ा खुराक और पानी देना ज़रूरी है। बुनियादी पिंजरे की देखभाल में रोज़ाना पानी और खाने के बर्तनों की सफाई शामिल है। फिंचेस की तरबियत नहीं की जा सकती, इनकी तरबियत की बजाय सिर्फ इनकी हरकतों और खेल से लुत्फ अंदोज ही हुआ जा सकता है। आप इनको हाथ में पकड़कर इनके नेल्स वगैरह काट सकते हैं। ये बहुत कम काटते हैं और काटने का नुकसान भी ज़्यादा नहीं होता, यानी ज़्यादा ज़ोर से नहीं काटती। आमतौर पर ग्रुप्स की सूरत में ही पाई जाती हैं, सोशल बर्ड है। दूसरी किस्म के परिंदों के साथ बहुत दोस्ताना होने की वजह से इसके लिए एवियरी लाइफ मौजू है। अगर बात करें इनकी ब्रीडिंग की, तो इनको अच्छी खुराक दी जाए तो इनसे ब्रीडिंग लेना मुश्किल काम नहीं है। जोड़ों को चुनना मुश्किल काम है, इसलिए छोटी कॉलोनियों में अच्छी अफजाइश करते हैं। जंगल में ये चट्टानों, दरख्तों, झाड़ियों, यहाँ तक के इमारतों के सुराखों में भी घोंसले बनाती हैं। घोंसला बनाने के लिए मवाद में खुश्क पत्ते, घास और नारियल के छिलके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप केज में इन्हें मटकी या नेस्टिंग बॉक्स कुछ भी प्रोवाइड कर दें और नेस्टिंग मटेरियल में इन्हें खुश्क घास और नारियल के छिलके और लंबे लंबे रेशे जो है वो ये ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। मादा 4 से 6 अंडे देती हैं। नर और मादा दोनों घोंसला बनाने और अंडों को इनक्यूबेट करने के अमल में हिस्सा लेते हैं। 14 दिन में चिक्स निकलते हैं। वालिदैन सब्जियों के खाने की बजाय प्रोटीन बच्चों को खिलाते हैं, तो इसलिए इन डेज में अंडों का खाना और खाने के कीड़े इनको पेश किए जाने चाहिए। 21 दिन के बाद बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं और मज़ीद 2 हफ्ते लगते हैं उनको सेल्फ होने में। अब हम कुछ बात करेंगे पैरेट फिंचेस की सेहत के हवाले से। तो ये सख्त परिंदे हैं, आमतौर पर तमाम बीमारियां गलत खुराक या गंदे माहौल की वजह से ही होती हैं। ये सर्दी के लिए भी हसास हैं। मतवाजन खुराक और वर्जिश बीमारियों से बचाती है, लेकिन अगर ये बीमार हो जाए तो उसके कुछ अलामात हैं, जैसे पंखों का झड़ना, भूख की कमी, कमज़ोरी वगैरह। कुछ आम बीमारियां और चोटें जो कि फिंचेस को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, जिनमें शामिल हैं इनके टूटे हुए पैर या टांगों का टूट जाना, और ये ज़्यादातर छोटे पिंजरे की वजह से होता है, जिसकी वजह से टांगों में दर्द जो है वो होने लगता है। वज़न में कमी हो जाना, एक बाइंडिंग का मसला और ट्यूमर्स वगैरह जो हैं वो इनको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी रीज़न जो है वो आपके साथ शेयर की जा चुकी है कि ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो गलत खुराक या माहौल की वजह से होती हैं। कि आप इनको केज जो है वो इनकी ज़रूरत से छोटा फ्राहम करें, या फिर जो है वो माहौल साफ़ सुथरा ना हो। बीमारी में परिंदे को अलग केज में रखना चाहिए, जहाँ पर सामने के हिस्से के अलावा हर साइड को कवर कर दें। तमाम पर्चों को हटा दें। खाने और पानी के बर्तन जो है उनको ज़मीन पर रख दें। अगर आप चंद घंटों में बेहतरी महसूस ना करें, तो फिर आपको परिंदे को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है, उसके पास ले जाने की ज़रूरत होती है। पैरेट फिंचेस की औसतन तबई उम्र 10 साल है। सो व्यूवर्स, ये थे इस खूबसूरत फिंचेस के बारे में इंफॉर्मेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।